हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे MCO 5 के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होने वाला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग। अगर हम रिपोर्टिंग करते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आएगा, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस वाले ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। और क्लिक करने के बाद इग्नू एमकॉम, जो कि 159 रुपीज पर मंथ में आपको मिल जाता है ये मेंबरशिप प्लान, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इग्नू एमकॉम के स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। आप यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ जो व्हाट्सएप चैट का लिंक है, आप हमें यहाँ पे मैसेज कर सकते हो, जहाँ पे जिसके जरिए आप हमसे जुड़ पाओगे, राइट। इसके अलावा और भी आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको नोट्स जो है वो बहुत ही कम दाम पे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको असाइनमेंट जो है वो भी बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू विल टेक आवर मेंबरशिप प्लान, राइट, जो कि 159 रुपीज पर मंथ का है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगी कि इसके अलावा और भी जितनी भी सारी इग्नू की अपडेट्स होती हैं, या फिर इग्नू के एडमिशन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, या फिर फॉर्म फिलअप, हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी जो है पहले मिल जाएगी, ताकि आप स्मूथली अपने कोर्स को कर पाएंगे बिना किसी झंझट के, है ना। तो बहुत ही सिंपल सा ये हमारा प्रोग्राम है। साथ ही साथ मैं बताता चलूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। उसके बाद आपको नीचे की तरफ आना है और फिर इग्नू एमकॉम के ऊपर क्लिक करना। आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पूरा का पूरा प्लेलिस्ट जो है IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे। सो यहाँ से आपको सारी स्टडी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग के बारे में। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग कैन बी डिवाइडेड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कौन-कौन से हेड्स हैं देखते हैं। अकाउंटिंग रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अकाउंटिंग रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। मैनेजमेंट कैन नॉट एनालाइज ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स बिजनेस, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि अगर कोई बिजनेस बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ी उसकी ऑपरेशंस हो रही है, तो किसी भी मैनेजमेंट के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो थॉरली उस चीज को चेक कर सके, अच्छे तरीके से उन सारे चीजों के बारे में, उन सब चीजों के ऊपर नजर रख सके, ठीक है ना। और इस कारण से भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि जो बिजनेस ऑपरेशंस होती हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं उनके नेचर में। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हेल्प्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द एंटायर ऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ द फर्म। वेयर एज जो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, उसके जरिए ये सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी कि आप बहुत ही आसानी से उन सब चीजों को एनालाइज कर पाओगे और जो भी डिसीजन आपको लेना है तो वो ले पाओगे। तो मैनेजमेंट को एक तरीके से हेल्प पहुंचाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए रिपोर्टिंग का एक तरीके से इस्तेमाल होता है, ठीक है, होया जाता है, मैं बोल रहा था, पर होता है। So, जो सबसे पहला जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वो ये है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स अगर हम तैयार कर रहे हैं तो वो इसलिए तैयार कर रहे हैं ताकि उससे जो इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी उससे मैनेजमेंट को हेल्प मिलेगा और मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली जो है वो डिसीजन ले पाएंगे, राइट। सो अकाउंटिंग रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स। मैनेजमेंट मे नॉट एनालाइज ऑल सिग्निफिकेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग इट्स बिजनेस ऑपरेशंस, स्पेशली इन केस ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शंस, वेयर एज द बिजनेस ऑपरेशंस आर मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हेल्प टू गेट फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट्स एंटायर ऑपरेटिव एक्टिविटी ऑफ द फर्म। जो ऊपर में लिखा हुआ था उसी को एकदम सेम टू सेम फर्स्ट नंबर पॉइंट में छाप दिया गया है, ठीक है। दस इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑपरेटिंग एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट इन एक्यूरेट फॉर्म इन अंडरस्टैंडेबल ब्रीफ मैनर। सिंपल सी बात है, जो ऊपर में बोला गया उसी को वापस से बोला गया है, मैं दोबारा रिपीट नहीं करने वाला, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि इसीलिए जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग का है वो ये है कि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके, चाहे वो ऑपरेटिव लेवल को हो या फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट को हो, ताकि वो एक्यूरेट और सही डिसीजन ले सके। और आपको जो भी रिपोर्ट प्रोवाइड करनी है वो ब्रीफ मैनर में होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ही लॉन्ग आपने लिख दिया, उनके पास टाइम ही नहीं है उस चीज को पढ़ने का और समझने का, है ना। तो इसीलिए आपको बहुत ही ब्रीफली लिखना पड़ेगा और अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से एक्यूरेट वे में लिखना पड़ेगा, ताकि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, उसके ऊपर वो डिसीजंस ले सके, है ना। तो पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है टू टेक राइट डिसीजन। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपकी हेल्प करता है राइट डिसीजंस को लेने में। टू हेल्प द मैनेजमेंट इन टेकिंग द राइट डिसीजंस विद सूटेबल स्टेटमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट यहाँ पे आपको जो है अकाउंटिंग रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, उसके बेसिस पे आपको जो है डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिल रही है। तो आप गलत डिसीजन ना लो, इसके लिए भी आपको जो है रिपोर्टिंग हेल्प आपको करती है। तो रिपोर्टिंग का सेकंड ऑब्जेक्टिव यही है, टू टेक राइट डिसीजंस, राइट। थर्ड नंबर पॉइंट है एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ द डिसीजन बाय ऑल। माफी चाहूंगा,
रिपोर्टिंग लीड्स टू मोटिवेट पीपल, रिपोर्टिंग के कारण जो है लोग मोटिवेटेड होते हैं कि देखो ये हमारी रिपोर्टिंग है, यहाँ पे हमसे कुछ गलतियां हो रही हैं, यहाँ पे हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसके कारण से लोग जो है मोटिवेट होते हैं काम करने को लेकर के। उसके कारण से आपकी जो एफिशियंसी है वो इंक्रीज होती है, वो बढ़ती है, जो मोराल है इंप्लॉइज का वो बढ़ता है ना। बूस्टिंग ऑफ द मोराल ऑफ द पीपल एंगेज इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्क ऑफ द एंटरप्राइज। तो किसी भी एंटरप्राइज में बहुत सारे एस्पेक्ट में लोग काम कर रहे होते हैं, और जब रिपोर्टिंग उनकी ठीक तरीके से हो पाती है तो वो मोटिवेट हो पाते हैं कि उनको अपनी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, वो अपने अच्छे एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, उनका मोराल बूस्ट होगा कि चलो एटलीस्ट मैनेजमेंट के पास हमारा डेटा है कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, उसके हिसाब से जो है उनको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, राइट। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव होता है रिपोर्टिंग करना इंप्लॉइज के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। डेफिनेटली अगर आप रिपोर्टिंग अच्छे तरीके से करोगे तो आप प्रॉफिट्स को भी मैक्सिमाइज कर पाओगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कहाँ कहाँ पे आपसे गलती हो रही है, कहाँ कहाँ पे आप इनिफिशियंटली काम कर रहे हो, कहाँ पे आपको यू नो और इफेक्टिवली काम करने की जरूरत है, राइट। टू अचीव दिस अल्टीमेट गोल ऑफ एनी बिजनेस रिपोर्टिंग एट द राइट टाइम एट राइट प्लेस टू द राइट पर्सन इन द राइट मैनर बिकम्स एन एसेंशियल फीचर, है ना। तो जो अल्टीमेट गोल होता है प्रॉफिट कमाने का, उसके पीछे आपको बिजनेस रिपोर्टिंग की आवश्यकता पड़ती है ना। बिजनेस रिपोर्टिंग में देखो यहाँ पे लिखा जाता है, समटाइम देखना आप ऑब्जर्व करते हो कि काम किस तरीके से कर रहा है, सो दैट्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ रिपोर्टिंग, राइट। बट यहाँ पे रिपोर्टिंग मतलब लिखित तौर पर रिपोर्टिंग की बात की जा रही है कि अगर आप सही टाइम पे सही पर्सन को सही जगह पे अगर आप यू नो रिपोर्टिंग ठीक तरीके से कर पाओगे तो डेफिनेटली आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाओगे, राइट। सो दिस वाज द फोर्थ पॉइंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फिफ्थ पॉइंट व्हिच इज फॉर बेटर कंट्रोल। तो रिपोर्टिंग अच्छा होने के कारण आपका कंट्रोलेबल जो पावर है वो भी बेहतर हो जाता है। एबनॉर्मल इवेंट्स कैन बी चेक्ड इन टाइम By obtaining the necessary information in respect of each operating activity, है ना? तो जो भी abnormal events होने वाले हैं या हो सकते हैं आप उसको चेक कर सकते हो, उसके अगेंस्ट आप corrective measures ले सकते हो जब आपके पास reporting अच्छी रहेगी। तो हर एक activity में अगर आपके पास अच्छी information हो, necessary information हो, तो किसी भी abnormal events को आप होने से रोक सकते हो। कंट्रोल थ्रू रिपोर्ट्स मोस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। तो रिपोर्ट्स के जरिए कंट्रोल करने से ही अच्छा होता है विद कंपैरिजन टू द पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप जाओगे आपको टाइम लगेगा, आप सही टाइम पे यू नो डिसीजंस नहीं ले पाओगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग अच्छी होती है तो फिर आप सही टाइम पे आप एबनॉर्मल इवेंट्स को घटने से आप रोक सकते हो। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रिपोर्टिंग, राइट। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिपोर्टिंग मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखो। बाय। थैंक यू।